destination will be on the left. आमिर कोई स्पेशल जगह पे लेके जा रहे हैं हमें, मुझे नहीं पता कौन सी जगह है. अभी तो हम लोग सब आइसक्रीम्स खा रहे हैं. अजान आयात, माय फेवरेट पीनट बटर. हाँ, अजान की पीनट बटर है, मेरी वेनिला चॉकलेट है, और आयात स्ट्रॉबेरी, और बा को तो रेडबुल पसंद है, रेडबुल. और तो इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं एक ट्रेन स्टेशन पे. इस ट्रेन स्टेशन से दोनों ट्रेनें चलती हैं. ये जो कन्वेंशनल ट्रेन है स्विस, जो नॉर्मल ट्रेन्स होती हैं, यहाँ से ये भी चलती हैं, और यहाँ से एक स्पेशल ट्रेन चलती है जो कि बेसिकली बहुत सदियों पुरानी टेक्नोलॉजी है. इसे कहते हैं फेनिकुलर ट्रेन. यानी कि जो नॉर्मल ट्रेन जो होता है उनकी दो पटरियाँ होती हैं. आयशा भी आयात को बेसिकली करवा के आ गई है, जो भी है टॉयलेट शॉयलेट. जो नॉर्मल ट्रेन्स होती हैं, आपको पता है कि वो उसकी ये पटरियाँ इस तरह से होती हैं. ये जो फेनिकुलर ट्रेन है ना, उनकी स्पेशल पटरियाँ होती हैं. मैं ज़रा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको. आप ये गियर्स देख रहे हैं, ये गियर्स होती हैं उन ट्रेन की. बेसिकली एक गियरिंग मैकेनिज्म होता है, और वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए डिज़ाइन हुई हुई है स्पेशल. तो ये जो पहाड़ हैं जितने बड़े बड़े, जो फेनिकुलर ट्रेन है उनकी पटरी यूं यहाँ से चल रही होती है और बहुत स्टीप क्लाइंब करती है. वो उनका डिज़ाइन ही इसलिए होता है कि वो पहाड़ों पे लेके चले जाएं. तो उनकी तो हम उस ट्रेन में बैठेंगे फ़िलहाल, और हम एक पहाड़ की चोटी पे जाएंगे जिसका नाम है शिनीज प्लाटर, जिसका ये देख रहे हैं यहाँ पर जाएंगे शिनीज प्लाटर. और वहाँ से हम माउंटेन व्यूज़ भी लेंगे, और अतराफ़ के बहुत खूबसूरत वादियाँ, उन सब के व्यूज़ लेंगे. तो बस हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं. इस वक्त जो हमारा टाइम हो रहा है वो है 2:20, और 2:45 पे हमारी ट्रेन है. तो बस अब वेट कर रहे हैं ट्रेन का, और जब ट्रेन आती है तो फिर रिज्यूम. हमारी ट्रेन आ चुकी है. जिस तरीके से आप देखें कि जो बता रहा था मैं कि बहुत सदियों पुरानी टेक्नोलॉजी है, ट्रेन की ड्राइवर आ रही है, और इसका बड़ा डिफरेंट सब ड्राइविंग मैकेनिज्म है, गियर्स हैं इसके, और ये बेसिकली बहुत सदियों पुराना सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर. ये देखें आप, अगर मैं दिखा सकूँ तो ये इसका ड्राइविंग व्हील है, और वो आगे जो है ये जो है स्पीड कंट्रोल है. बेसिकली ये एक स्पीड कंट्रोल है, स्पीड कंट्रोल, और ये ब्रेकिंग सिस्टम है. बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे इंजन चल रहा होता है, बहुत बहुत शोर है इस इंजन के अंदर. और ये देखें जिस तरीके से गियर होते हैं, गियर इस पट्टी के ऊपर बैठते हैं, और ये पहाड़ों पर चलती है ट्रेन. तो ये बहुत रेयर टेक्नोलॉजी है जो कि आपको मिलेगी स्विट्ज़रलैंड में ही, आपको और बहुत कम जगहों पर मिलेगी. बहुत 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 पुरानी टेक्नोलॉजी. तो हमने बस इन्जॉय करना है यहाँ पे, और ऊपर जाएंगे तो पहाड़ों से फिर आप लोगों को व्यू दिखाएंगे. तो अजान, आप इन्जॉय करोगे बेटा ऊपर जाके? हाँ, व्यूज़. तो जब ट्रेन चलती है तो फिर जब ट्रेन चलेगी तो फिर देखते हैं कि क्या मामला आता है. तो ट्रेन जो है वो पहाड़ पर चलना शुरू हो चुकी है, और यहाँ से आप चेक कर रहे हैं कि मनाजिर क्या है. हम लोग तकरीबन अभी तक 2,500 फीट तक ट्रेन में चढ़ चुके हैं, और जो टिकट है ये 3 टिकटें ली हैं. आयात तो फ्री थी, मेरा और आयशा की टिकट लगी है पूरी, और अजान की डिस्काउंटेड रेट है. तो सब कुछ मिला के तकरीबन 106 पाउंड की ये रिटर्न ट्रिप थी जो कि हमें चार्ज किया है. आप स्विस फ्रैंक में तकरीबन 118 स्विस फ्रैंक्स हैं, और 106 तकरीबन पाउंड बने थे. और ऊपर से जब व्यूज़ आएंगे तो मैं दिखाता हूँ कि कितने ऊपर आ चुके हैं हम, मतलब ग्राउंड लेवल से कितने ऊपर आ चुके हैं. थोड़े से व्यू खुलते हैं तो मैं दिखाता हूँ. नाज़िर चेक करें आप ट्रेन के, वो नीचे से आए हम लोग, वो नीचे से देखें. चुक चुक ट्रेन चल रही है, चुक चुक ट्रेन चल रही है, और ये इंटरलाकन, ये पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से, और ट्रेन आगे जा रही है जंगलों और पहाड़ों से, और हम ऊपर से ऊपर, पता नहीं कितने फीट है, 1,000 फीट, आई हैव लॉस्ट काउंट कि कितने 1,000 फीट ऊपर जा चुके हैं हम लोग. पानी का कलर चेक करें आप, अब पानी का कलर चेक करें आप, ये सीनरी चेक करें. आयात भी इंजॉय कर रही है. अब ये सीनरी चेक करें, पानी का कलर चेक करें. मैं ये भी कह दूं कि ये जो नज़ारा है इवन कैमरे में भी जो है ना आपको नहीं दिख सकता. ये जो आप कैमरे में देख रहे हैं नज़ारा, इवन कैमरा भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता. इसे आप अपने आँखों से देखेंगे
तो तभी देख सकते हैं। और ये देखें अभी हम टनल में, ट्रेन टनल में चल रहा है, टनल में जा रही है ट्रेन और अंधेरा हो चुका है। और मेरे ख्याल से 5-10 मिनट लगेंगे और ज़्यादा, और हम फिर ऊपर चले जाएंगे पीक पे पहाड़ की। चेक करें भाई ये मनाजिर भी हैं ट्रेन में, हल्के नहीं आ रहे भाई मनाजिर, हल्के नहीं आ रहे, बिल्कुल भी हल्के नहीं आ रहे मनाजिर। ये देखें आप मनाजिर ट्रेन के, घंटियां भी हैं गाय की, और सामने ये चेक करें आप, कहते ना फाबिया ये आला है रब्बे कुमा तो गज़बान, किन किन नेमत को झुटलाएंगे भाई आप, किन किन नेमत को झुटलाएंगे। अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। ये देखें ट्रेन में जा रहे हैं हम लोग, स्विस ट्रेन है, पूरे गैंग के साथ, अशोक पूरे गैंग के साथ जा रहे हैं इस वक्त। और ये चेक करें आप मनाजिर, तो ये फैनिकुलर ट्रेन है, वापस से बता रहा हूँ, आप इस ट्रेन को ले सकते हैं इंटरलाकन से। इंटरलाकन में आएंगे जब आप स्विट्ज़रलैंड में, तो आपको ये सामने वाले मनाजिर भी दिखेंगे। ट्रेन में, ट्रेन की आसाइश से आपको ट्रेन दिखेंगे। बताएं दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे देखी है आपने, किस तरीके से गियर के ऊपर ट्रेन चल रही है और पहाड़ों पे लेके जा रही है। ये देखें ये पूरी ट्रेन चल रही है यहाँ से, ये ऊपर जा रही है, और कुछ तो रास्ते यूँ भी थे जिसके ऊपर ट्रेन ज़्यादा हो गया, यूँ थे जहाँ पर आप ये देख लें कितना स्टीप क्लाइंब है, पर ट्रेन चले जा रही है और हम जो हैं लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इन मनाजिर से। तो शहर से निकले थे अब पता नहीं तकरीबन 4-5-6 हज़ार फीट की बुलंदी पे आ चुके हैं। ये जो सामने जो पहाड़ हैं ये तकरीबन हैं कोई 15,600 फीट की बुलंदी के पहाड़ हैं सामने, ये आप देख रहे हैं, तो ये तकरीबन उसके साथ ही आगे खड़े हो जाएंगे। तो तकरीबन 5-6 हज़ार तो फीट ईज़ीली हमने कवर किया है इस ट्रेन के अंदर। तो आप यहाँ से जो है आप कार शार में नहीं आ सकते, आपको ट्रेन लेनी पड़ती है इसके लिए, इस तरह के मनाजिर के लिए थोड़ा सा रोकड़ा खर्च करना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ दिस इज़ वर्थ इट। आप ये चेक करें, वादी चेक करें पूरी कितनी बड़ी खाई है, और ट्रेन जो है भाई चले जा रही है। ये पूरा ट्रैक करके आए हैं हम लोग, ये जो पूरा ट्रैक है ये पूरा ट्रैक घूम घूम के हम आए, और आगे और भी तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता रहता है। तो कुछ देर में ऊपर पहुंचते, तो ऊपर से आप लोगों को व्यू दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत। ये हमारी ट्रेन हमें छोड़ के जा रही है, और जो दूसरी सवारियां हैं उनको लेके जा रही है। और आप ये मनाजिर चेक करें कि कितना ऊपर लेके आई है हमें ये ट्रेन। यहाँ पर तो ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये आसमान पे इन्होंने बनाया हुआ है ट्रेन स्टेशन। और ट्रेन स्टेशन के बाद निकल के हम लोग वो ऊपर जाना है हमने। तो भाई हम लोग हाइकिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की भी कमी है बहुत ज़्यादा, भी आ रहे हैं ये देख, आशा लोग भी आ रहे हैं आयात के साथ, तो हाइकिंग कर रहे हैं, हाथ छूटा तो सीधा नीचे खाई में। तो बस हाइक करते करते ऊपर पहुंचना हमने फ्रेम के पास, तो थोड़ी हाइक कर रही है थोड़ी रहती है, तो बस आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ऊपर जाके, करते हैं देखते हैं क्या मनाजिर हैं ऊपर से। तकोदो करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं शिनीजे प्लाटा में, उसकी पीक के ऊपर, और यहाँ से मैं आपको एक पैनोरामिक व्यू दिखाता हूँ कि क्या खूबसूरत पैनोरामिक व्यू है। ये देखें भाई बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, आइगर पहाड़ सबसे बड़ा जो यहाँ पे इस रीजन का पहाड़ है। और ये देखें, और पीछे पीछे की तरफ जो है वो लेक इंटरलाकन भी है। तो ये ट्रैक है पूरा हमने जो किया है, वादी पीछे चेक करें हमने, यहाँ पे ये ट्रेन स्टेशन है, बच्चों के साथ इन ट्रेन स्टेशन से फिर यहाँ पे रास्ते निकल रहे थे, रास्ते करके हैं हम आए हैं पूरे ऊपर,
और बहुत छोटी छोटी, ये भी इतना नीचे नहीं है, हम बेसिकली इससे भी बहुत नीचे से आए हैं। शायद पीछे मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को, यहाँ पे यंगफ्राउ और आइगर बहुत बड़े माउंटेन्स हैं जिसकी आप देख रहे हैं, चोटियाँ हैं, सारी चोटियाँ ये, और ये 15,000 फीट पे हैं। तो हम लोग इस वक्त तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पे मौजूद हैं, जो कि हमें ट्रेन लेके आई है, फैनिकुलर ट्रेन। और इस जगह से ही बहुत खूबसूरत व्यू दिखता है पीछे इंटरलाकन लेक का भी, जो कि मैं आपको कुछ देर में दिखाता हूँ पीछे जाके। तो फ़िलहाल हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद हम यहाँ से एक नीचे बहुत अच्छा, बहुत नाइस रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चाय शाय पियेंगे, और फिर हम ट्रेन स्टेशन पे आएंगे। तो आयशा चलना है रेस्टोरेंट में, क्या करोगे यहाँ पे? चाय शाय, चाय शाय पियेंगे, बच्चे भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट होगी उनकी भी। तो आप लोगों से मुलाकात होती, कुछ देर में मुलाकात करते हैं आप लोगों से रेस्टोरेंट से, अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों हम लोग इस वक्त रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, ये बेसिकली रेस्टोरेंट हिल टॉप एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही नाइस व्यूज़ के साथ। दो कॉफ़ीज़ मंगवाई हैं हमने, सूप शूप्स मंगवाए, मतलब जितना मैं आप लोगों को अल्फाज में बयान करना चाहूँ, ये व्यूज़ और साथ में अच्छा फूड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और ये व्यूज़ भी अगर कैमरे से ले तो रहे हैं हम लोग, लेकिन मुझे पता है कि ये बिल्कुल कैमरा जस्टिफाई नहीं करता जितनी खूबसूरती है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल नीचे से आए हैं ऊपर, कुछ 1,000 फीट चढ़ के। तो बस हम अभी इस वक्त यहाँ से इंजॉय करेंगे अपने फूड को, जितने भी हम सारे हम इंजॉय करेंगे फूड को, और उसके बाद ट्रेन पकड़ेंगे आखिरी, जो कि 5:53 यानी कि इस वक्त जो बज रहा है 4:30 बज रहे हैं इस वक्त, और तकरीबन 5:30 पे लास्ट ट्रेन है, और हम लास्ट ट्रेन पकड़ के नीचे इंटरलाकन जाएंगे, और वहाँ से बढ़िया तो होटल जाएंगे या किसी दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है।